नमस्कार। हरियाणा की मौजूदा सरकार ने अपना आखिरी बजट इस कार्यकाल का पेश कर दिया है। चूंकि चुनाव से पहले इस बजट को पेश किया गया, तो इस बजट पर यह आरोप, ये तोहमत भी लग रहे हैं कि यह चुनावी बजट है। लेकिन किन किन अहम पहलुओं पर ध्यान दिया गया इस बजट में, और क्या ये बजट सबका साथ सबका विकास वाला बजट है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट पेश कर दिया है। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल सहित सभी क्षेत्रों को मिलाकर 1,32,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। वक्त चुनावी है, और ऐसे वक्त में जब बजट पेश होता है तो उसके कई मायने भी होते हैं, और उससे कई मसलों को साधने की कोशिश भी की जाती है। 2014 में हरियाणा में आई बीजेपी की सरकार ने 25 फरवरी 2019 को अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का ये पांचवा बजट था। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट की शुरुआत कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ की। प्रजा सुखे सुखम राजय है, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम प्रियम राजय है, प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। प्रजा के सुख में सरकार का सुख है, प्रजा के हित में सरकार का हित है, प्रजा को जो प्रिय है वही सरकार को प्रिय है। इस बजट के जरिए कैप्टन अभिमन्यु ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, चाहे वो युवा हो या फिर किसान। में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए आय सहायता योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग माने जाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन के रूप में आय सुरक्षा मुहैया करवाने वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शामिल है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के विकास की भी बात की और सकल राज्य उत्पाद का भी जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन को मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वैश्विक विश्लेषण कंपनी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिसिल ने जनवरी 2019 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट विकास की स्थिति 2.0 में उल्लेख किया है कि हरियाणा भारत के केवल उन दो राज्यों में से एक था जिसने औसत, राष्ट्रीय औसत से तीव्र उच्च समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि तथा रोजगार सघन क्षेत्र में उच्च सकल मूल्य वर्धित जीवीय वृद्धि दर्ज की, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रति निवेश और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के हमारे लक्ष्य की दिशा में हमारी प्रगति का सूचक है। कैप्टन अभिमन्यु ने राज्य पर आए कर्ज का भी आंकड़ा सदन में रखा और बताया कि इन रुपयों का इस्तेमाल कैसे प्रदेश के विकास के लिए किया गया। पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए राज्य सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे इस गरिमामय सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बजट अनुमान 2018-19 के 30,011.76 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में हम इसे संशोधित अनुमान 2018-19 में 35,040.59 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। बजट अनुमान 2019-20 में ये और बढ़कर के 37,924.09 करोड़ रुपए होने की संभावना है। बीजेपी सरकार की बजटीय तरकश का आखिरी तीर वित्त मंत्री ने चला दी है। उम्मीद यही है कि ये तीर न सिर्फ अपने निशाने पर होगी बल्कि विरोधियों को भी चारों खाने चित कर देगी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि इससे सरकार को सबका साथ मिले ताकि वो सबका विकास कर सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। जी, लगभग इस पूरे बजट में हम ये कह सकते हैं कि हर एक पहलू को छूने की कोशिश की है। लेकिन जब इस बजट का हम पोस्टमार्टम करेंगे, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, प्री बजट भी हमने बताया था क्या कुछ हो सकता है, पोस्ट बजट भी हमने चर्चा की है, उसी का एक और पहलू है ये। और वित्त मंत्री के कुछ और अहम बातें हैं अपनी इस रिपोर्ट में, कुछ बातें हमने आप तक पहुँचाई, कुछ बातें और जो इस बाइट के जरिए सुनिए आप। 2019-20 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-20 के लिए मैं 1,32,165.99 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि बजट अनुमान 2018-19 के 1,15,198.29 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 14.73% और संशोधित अनुमान 2018-19 के 1,20,375.40 करोड़ रुपए से 9.79% अधिक है। जमीनी स्तर पर
रोजगार और आजीविका प्रदान करने में दस्तकारों, कमेरों और अन्य शिल्पकारों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए और उनकी आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सी और डी खंडों में 20 किलोवाट तक के कनेक्टेड भार पर 2 रुपए प्रति किलोवाट की दर से पहले से मिल रही सब्सिडी के अलावा ए और बी खंडों में 10 किलोवाट तक के कनेक्टेड भार पर 2 रुपए प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी प्रदान करने का सरकार प्रस्ताव करती है। हरियाणा सरकार ने पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ बातचीत करके एक अनूठी पहल की। इस योजना के तहत कर्मचारियों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देना, 50,000 रुपए की चिकित्सा सुविधा, 30 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जैसे कई लाभ प्रदान करने के लिए 4 बैंकों SBI, HDFC, PNB और हरको बैंक को चुना गया है। तो वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यह बजट पेश किया और कई अहम बातें हैं इस पूरे बजट के दौरान जो कि निकलकर सामने आई है। एक तो बजट में जो पिछला बजट था उसमें इजाफा भी किया गया है और इसके साथ साथ चाहे वो किसान वर्ग हैं, जो सरकार का अपना पक्ष है उस नज़रिए से अगर हम देखें तो सरकार ये कह रही है कि किसानों को भी ध्यान में रखा गया है। 1500 करोड़ रुपये जो पेंशन के लिहाज से सरकार की तरफ से एक नई शुरुआत यहाँ पर की गई है, किसान पेंशन, उस लिहाज से, युवाओं के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से सरकार ये दावा कर रही है कि ये जो बजट है वो एक अच्छा बजट है, सुनहरा बजट है और हरियाणा सरकार इस बजट के सहारे हर विभाग को टच ज़रूर किया है, ये सरकार का एक दावा है। लेकिन विपक्ष इस पर क्या सोच रखता है और जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं वो इस पूरे बजट को किस तरीके से देखते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। क्योंकि स्वास्थ्य के बजट में भी 12.3% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, जो कि स्वास्थ्य का एक हाल है प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं है। उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि 18-19 के बजट में 4,486 करोड़ का ये बजट था स्वास्थ्य के लिए, उसमें 12.3% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ये कह रही है कि किसानों के लिए उसने काफ़ी काम किया है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सिंचाई के लिए 3,324 करोड़ 51 लाख रुपए आवंटित भी किए गए हैं। रोजगार के लिए सरकार कह रही है कि 365 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया है। इसके अलावा सरकार ये कह रही है कि फसल क्षति के लिए प्रति एकड़ 12,000 रुपए का मुआवजा दिया है सरकार ने। कुछ प्रावधान है तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन जिस पर किया गया, जिन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट किया गया सरकार की तरफ से, उसका भी जिक्र यहाँ पर सरकार की है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि 2 घंटे तक आज बजट पेश किया है वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने। एक लंबा बजट है और किसी प्रदेश का बजट 2 घंटे तक अगर पेश किया जाए तो उसमें हर मसले, हर पहलू को छूने की बात ज़रूर आती है सामने कि छुआ गया है, टच किया गया है। इसके अलावा राजस्व एक बहुत बड़ी बात है कि एक तो कोई नया टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है इस बजट में, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार जो 18-19 में अनुमान कर रही थी कि उनका जो राजस्व है वो 76,000 करोड़ के करीब का होगा, 76,828 करोड़ के करीब, जिसमें से सरकार को 61,000 करोड़ रुपए मिले थे, इस बार सरकार ये उम्मीद कर रही है कि 82,219 करोड़ रुपए इस बजट के बाद, मतलब अगला जो एक वित्तीय वर्ष है इस दौरान सरकार के खजाने में आएंगे ये सारी। और एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ, उस पैनल से आपको रूबरू कराते हैं, उनसे समझने और जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको हमारे इस पैनल में कौन कौन से लोग इस वक्त मौजूद हैं। JJP की तरफ से दिलबाग नैन साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से विमल किशोर जी जुड़े हुए हैं, विमल जी स्वागत है आपका। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकज वशिष्ठ साहब आपका। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से बालमुकुल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, इनेलो की तरफ से सुखबीर तंवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और BJP की तरफ से हमारे साथ भारत भूषण साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं पॉलिटिकल डिबेट करूं उससे पहले मैं एक बार डॉक्टर पंकज वशिष्ठ साहब आपसे जानना चाहता हूं, किस तरीके से इस पूरे बजट को आप देखते हैं एक आर्थिक जानकार, एक आर्थिक मामलों के विषय। मैं इस बजट को देखूंगा जो यूनियन बजट था फरवरी में जो हमने देखा उसका एक्सटेंशन, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह BJP की सरकार है। कहीं ना कहीं इस बजट में राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी उसको आगे ले जाने की कोशिश की है
और पूरा का पूरा एक इलेक्शन बजट की तरह से है, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा एक फार्मर डोमिनेटेड स्टेट है, तो फार्मर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जो ट्रेडर वगैरह है उनको सिर्फ ये राहत दी गई है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, और फार्मर्स के लिए काफ़ी कुछ है, जैसा कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एक पेंशन योजना स्टार्ट की है जिसमें 6,000 पर ईयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे फार्मर को, 1500 करोड़ इस सरकार ने भी उसमें ऐड ऑन किया है, तो वो अमाउंट बढ़ेगा। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि जो मुआवजा है वो 12,000 रुपये तक पर एकड़ किया गया है, इरीगेशन पे काफ़ी प्रावधान किया गया है, सब्सिडी दी गई है सोलर पंप वगैरह पे। उसके बाद जो दूसरा फोकस है वो यूथ पे रहा है, जो कि हम समझ सकते हैं कि हम एक एक युवा देश हैं, बहुत बड़ा पार्ट हमेशा हर रोज़ लेबर मार्केट में आ रहा है, और एम्प्लॉयमेंट का एक एंगल है जिसपे बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि एम्प्लॉयमेंट उतना क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एक डिबेट का मुद्दा है, बट उस तरफ एक पहल की गई है, हायर एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे एलोकेशन बढ़ाया गया है, तो ये ओवरऑल ठीक चीज़ें हैं। बट मैं थोड़ा सा जो मुझे चिंता का कारण लग रहा है वो ये है कि आपने जैसे अभी बताया कि पिछले साल जो रेवेन्यू टारगेट था उससे 15,000 करोड़ कम हुआ है, तो आपका डेफिसिट बढ़ा है, और इस साल आप 14% इंक्रीज कर रहे हैं अपना एक्सपेंडिचर, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 82,000 करोड़ से ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा, जब आपका पिछले साल रेवेन्यू सिर्फ 61,000 करोड़ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये 25% ग्रोथ कहाँ से रेवेन्यू में लाएंगे, तो ये एक देखने वाली बात होगी, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके फिस्कल डेफिसिट पे पड़ेगा, और जो एक अच्छा संकेत नहीं होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इलेक्शन है, लास्ट बजट था, तो हर चीजें उसी उसी को ध्यान में रख के की गई है। चलिए, कई सारे सवाल होंगे भारतभूषण जी आपके लिए, मैं एक एक करके जरा बाकी लोगों का रिएक्शन ले लेता हूँ, पॉलिटिकल चर्चा की शुरुआत करते हैं, और बालमुकुंद शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जी थैंक यू। इस बजट को सबसे पहले तो आप भी या बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी चुनावी बजट के तौर पर ही देखेंगे, कुछ अच्छी बात नजर आई क्या? नहीं, इसमें तो अच्छी बात कुछ है ही नहीं, ये तो क्लेरिकल वर्क है, एक लिपिकीय कार्य किया गया है, जो आमतौर पर बजट पेश होते आए हैं उसमें कहीं 10 रुपये घटा दिए, कहीं 10 रुपये बढ़ा दिए, और किसी भी एंगल से जैसे हमारे जो साथी हैं जो एक्सपर्ट है चीज़ों के जानकार, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं इसी विषय पर ध्यान दे रहा था कि जो टारगेट इन्होंने राजस्व का पिछली बार 70,828 करोड़ रखा था, उसमें 20% कम का इन्होंने हासिल किया है अर्जित, अगर इसी तरह आगे इन्होंने 82,000 करोड़ जब पीछे ही ये अर्जित नहीं कर पाए, आगे और बढ़ा के रख दिया। दूसरा मैं अब ये बताना चाहता था, कोई भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सत्र का कोई, जैसे युवाओं के मामले में इन्होंने जिक्र किया, कोई अंतर्राष्ट्रीय जगह का कोई स्टेडियम हो, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्टेडियम होते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई ऐसी नई चीज़ ये क्या देंगे, मतलब कुछ भी। आज मैं 2 घंटे के भाषण में कुछ मैंने भाषण का अंश सुना है तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया, ये तो एक रूटीन में जैसे रखते हैं बजट का एलोकेशन करते हैं, इतने परसेंट उसमें मध्य में जाएगा, इतने परसेंट मध्य में जाएगा। और किसानों की जो लास्ट एक विषय रह गया था मेरा, किसानों की जहां तक बात है मैं समझता हूँ वो भी एक किसानों को, आप नोट करते रहिएगा पॉइंट्स। हाँ हाँ, भारतभूषण जी को नोट किया, मैं उनको पूछवा भी दूंगा। जैसे केंद्रीय सरकार ने 2,000 रुपये का जुन जना किसानों को पकड़ा, एक प्रलोभन देने की कोशिश की है, इससे ज्यादा तो वो अंबानी की जो कंपनी है बीमा कंपनी, उसमें पैसे जा चुके हैं किसानों के, और आगे भी जाते रहेंगे, वो उनकी अपनी घर की कंपनी बना रखी सरकार ने, अंबानी अडानी, इनसे आगे तो सरकार ने सोचा नहीं अभी तक। उस योजना में भी एक नई बात, अभी जैसे आपने कहा 12,000 प्रति एकड़ देंगे, उसका कोई दृष्टिकोण साफ नहीं किया, कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे, को वो सिंचित जमीन वाले को देंगे, सिंचित जमीन वाले को देंगे। 12,000 तो सरकार कह रही कि दिया है हमने, सरकार ने 12 रुपये भी नहीं दिए थे। सरकार जो बात मैंने आपको बताया ना, ये लिपकीय कार्य जरूर किया है, और मंत्री जी का जो भाषण था वो 2-3 दिन में यही तैयार किया है, कहाँ घटाना कहाँ बढ़ाना है, लेकिन उसको लगाना कहाँ है, करना क्या है, कोई वर्णन नहीं। ये इस तरीके के तो हमें बहुत पिछले 4 साल से देख ही रहे थे इनका। छोटा छोटा जवाब रखेंगे जरा सबको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसमें कुछ भी नहीं। सर्वप्रथम साकेत जी, आज जो हरियाणा के एक शहीद पुलवामा अटैक के बाद आज शहीद हुए हैं, सर्वप्रथम उनको अभिवादन देते हुए जो आज बजट पेश हुआ है, देखिए ये कहीं ना कहीं एक झुंझुना है। जिस प्रकार से अभी किसान की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विगत विधानसभा चुनाव में 5-0 से विफल हुई, ये कहीं ना कहीं वो किसानों के मसले पे पूर्णतः फेल रही, और अब कहीं ना कहीं किसानों को ये जो
कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल बजट थोड़ी ना सर, नहीं मैं नेशनल बजट की बात नहीं कर रहा हूं, पांच शून्य की आप बात कर रहे हैं, पांच शून्य आप कहा, पांच शून्य नहीं आप सुनिए, आप बात सुनिए पहले, अगर अगर बीजेपी इसमें कह देगी कि आप देखिए नगर निगम देख लीजिए, जींद उपचुनाव देख लीजिए, मैं जो एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले, आप नगर निगम में क्या था, कुछ दूसरा प्लीज प्लीज प्लीज, कल जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पे 2000 रुपए किसानों के जो 6000 की पहली किस्त दे के किसानों के आने वाले पूरे देश के स्तर पे 2000 रुपए दे के जो मत खरीदने की कोशिश की गई है, ये एक उसका आईन है, इस 2000 से होना कुछ नहीं, किसान को आप विक्रेता समझ रहे हैं क्या अपने वोटों का, सरकार समझ रही है ना, किसान 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 को आप बेवकूफ समझ रहे हैं, किसान नहीं, किसान को आप बेवकूफ समझ रहे हैं कि 2000 रुपए में वो अपना वोट बेच देगा, देखिए प्रयास हुआ है सरकार के स्तर पे, ये 2000 का एन चुनाव के 15 दिन पहले करने का मतलब ये है, आप अपने हिसाब से विश्लेषण करें, लेकिन मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं किसान का मत इस 2000 के माध्यम से खरीदने का प्रयास हुआ है, और जिस प्रकार से जो 12000 प्रति एकड़ मुआवजे की बात कर रहे थे, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, अभी पिछले दिनों 12000 प्रति एकड़ का जो मुआवजा पीछे ओलावृष्टि में दिया गया था, उस मुआवजे को वापस लेने के लिए किसानों को जमीन की कुर्की के नोटिस दिए जा चुके हैं, ये धरातल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच्चा आईना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा दिलबाग नैन साहब आपका रिएक्शन इस बजट पर। जी सर, बजट है ये, इस बजट के अंदर किसान के लिए इन्होंने कुछ नहीं रखा, युवा के लिए इन्होंने कुछ नहीं रखा, इन्होंने किसानों के लिए तो पेंशन योजना लेके आ रहे हैं 1500 करोड़ का। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने 2018-19 का बजट पेश किया था, पहले जो 2018-19 के बजट में जो आपने 1 करोड़ का बजट, 1 करोड़ 10 हजार करोड़ का बजट था, उस बजट में से किसी भी डिपार्टमेंट को आप खाली दिए, चाहे वो कृषि विभाग है या पशुपालन विभाग है, कहीं पर भी इन्होंने 40-50% से ज्यादा पैसा नहीं लगाया, सारे का सारा पैसा लगाने में पड़ा हुआ है, और मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगा, हमारे प्रदेश को लोन में इतना कर दिया, 110 करोड़ के आसपास जो पैसा आने के बाद इन्होंने लोन उठा लिया हर महीने, आप ही के साथी हैं, उनको भी तो बोलने का मौका दीजिए, 1 लाख करोड़ होल्ड, विमल किशोर साहब के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, विमल किशोर जी आपका, आपकी नजर में ये बजट कितना पास कितना फेल, घोषणाएं घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ बात करें रोजगार के लिए केवल 365 करोड़ रुपए, कितने लोगों को रोजगार देंगे सोचने वाली बात है, जलवायु और पर्यावरण के लिए सिर्फ 12 करोड़ रुपए टारगेट रख रहे हैं, 100 गांव को कैसे स्वच्छ करेंगे, मतलब 100 गांव पर 12 करोड़ में जलवायु से स्मार्ट कैसे बन जाएंगे, और इस बजट में सबसे जो इन्होंने नुकसानदेह कर रहे हैं हमारे देश के लिए, निजीकरण पे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जो ये 10 ITI की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट खोलेंगे, गुरुग्राम में ग्लोबल स्मार्ट सिटी, कल तक ये FDI का विरोध करते थे, ग्लोबल स्मार्ट सिटी वो बनाएंगे विदेशी निवेश से, एक एक बंदा 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, FDI के पक्ष में तो आप लोग हैं ना, नहीं नहीं FDI का विरोध कर रहे थे हम, नहीं पक्ष में 100% FDI ना वो पक्ष में या आप तो इसके पक्ष में है ना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सो FDI का विरोध करते थे, कपड़े उत्पाद का विरोध करते थे, अब ये स्मार्ट सिटी जो बनाने जा रहे हैं सारा का सारा विदेशी निवेश करेंगे। ठीक है भारत भूषण जी, बहुत सबके सवाल भारत भूषण जी आपके पास आ गए, आपको पूरी मोहलत में दे रहा हूँ, 2-4 मिनट का और वक्त ले लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक में ले लेता हूँ, सबका हिसाब कर लीजिए कि किसको क्या क्या जवाब देना है, ब्रेक से लौटते हैं, भारत भूषण जी क्या रुख करेंगे और सरकार का जवाब जानेंगे, जल्द लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, और लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा के वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल का जो ये आखिरी बजट पेश किया है, इस बजट में किस किस के हित सधे हैं
और कहां कहां खामियां रह गई, कहां कहां में एक वैकेंट पोर्शन रह गया, एक खाली हिस्सा रह गया जिसको भर पाने में वित्त मंत्री नाकाम रहे। चर्चा के पहले पार्ट में तमाम विरोधियों और आर्थिक मामलों के जानकार का पॉइंट ऑफ व्यू रखा हमने। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए और सीधा रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारत भूषण जी का। भारत भूषण जी, एक एक करके हर एक मसले को आप रखिए कि कौन कहां सही है और आपकी सरकार कहां गलत है, या आपकी सरकार कहां सही है और कौन कहां गलत है। देखिए साकेत जी, किसी को गलत ठहराने या सही ठहराने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं। मैं तो मात्र यह निवेदन करना चाहूंगा, आपकी सरकार और आपकी नीति और आपके इस बजट को गलत ठहरा दिया है, अब अगर आप उनको गलत नहीं ठहरा पाएंगे, यानी इसका मतलब ये है कि आपका ये बजट गलत हो गया। राजनीतिक मित्रों की टिप्पणी को गलत और सही के आकलन के तराजू में नहीं रखता। जनता सबसे बड़ी निर्णायक होती है इस मामले में, या जो अर्थशास्त्री है या विश्लेषक है। पंकज जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। पंकज जी ने जिस प्रकार के कहा कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का बजट दिया, जिस प्रकार से किसानों के लिए, रोजगारों के लिए, कर्मियों के लिए प्रावधान किया, या लोगों को टैक्स से राहत देने का, चाहे वो इनकम टैक्स हो, इस प्रकार के प्रावधान किए, उसको हरियाणा सरकार ने भी अपनी जनता के सेवा में ले जाने का काम किया है। असली बात क्या है, अगर हम बजट पे चर्चा करें तो बजट का अर्थ मात्र ये नहीं होता कि हम कितना रुपया किस मद के लिए एलोकेट कर रहे हैं। जैसे बालमुकुंद जी भी कह रहे थे कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है कि एलोकेशन ऑफ फंड्स कर दिया। एलोकेशन ऑफ फंड्स एक अलग चीज है और रियलाइजेशन ऑफ फंड्स एक अलग चीज है, लेकिन इससे ये जरूर दिखता है कि सरकार का आने वाले समय में अपने प्रदेश के विकास में किन किन क्षेत्रों पर ध्यान जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस बजट में आप देखेंगे कि इसमें किसान के लिए भी है, इसमें शिक्षा के लिए भी है, इसमें टेक्निकल और हायर एजुकेशन के लिए भी है, इसमें सोलर सिस्टम से किसानों के इरिगेशन के लिए भी है, इसमें स्वास्थ्य के विचार के लिए भी किया गया है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी है, इसमें टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने का भी प्रावधान है कि किस प्रकार से सरकार जो है टैक्स चोरी को बचा करके टैक्स के रियलाइजेशन करे। हालांकि डायरेक्ट टैक्स सरकार ने कोई बढ़ाया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात बजट में साकेत जी ये होती है कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सरकार ने किस प्रकार से एलोकेट किया है। अगर सरकार प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो समझिए कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कम कर रही है, और अगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उसमें खर्चा के लिए ज्यादा रुपया आवंटन किया गया, इसका मतलब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च करने वाली है। और हमारे इस 1,32,165 करोड़ के बजट में लगभग 95,000 करोड़ रुपया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए है, उसमें से भी 46,562 करोड़ रुपए ऐसा है कि जो राजस्व घाटे को कैसे पूरा करेंगे भारत भूषण जी, चला जाता है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ज्यादा खर्च होता है, भारत भूषण जी रिकवरी कम हो रही होती है। नेचुरली जो 3-4 साल के बाद के प्रोजेक्ट पूरे होने, उसके लिए बजट में आज प्रावधान किया गया है। भारत भूषण जी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। भारत भूषण जी, राजस्व घाटे को कैसा पूरा करेंगे, लेकिन एक्चुअल घाटे का बजट का अर्थ कहीं ये नहीं है कि सरकार घाटे में जा रही है या प्रदेश में घाटा जा रहा है। भारत भूषण जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनके अगर आंकड़ों की भारत भूषण जी आवाज पहुंच रही है आप तक, 2013-14 के बजट और अपने 2018-19 के बजट के प्रावधानों का कहीं पर जिक्र करूं तो फिर क्या होगा कि एक राजनीतिक जो है बहस में हम उलझ जाएंगे, जबकि इनके समय पे जो बजट एलोकेट किए थे उसके भारत भूषण साहब आज की मदों में कम से कम 2-2 गुना 2.5 लाख भारत भूषण जी ज्यादा बजट में भारत भूषण जी प्रावधान किया गया है। भारत भूषण मिलाकर ये कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति विशेष की बात को न लेकर के हम इसको अगर बजट के आधार पर इसको इसकी तुलना करें तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा एलोकेट किया गया है, जिससे एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, रोजगार के फील्ड में भी, शिक्षा के फील्ड में भी, स्वास्थ्य भारत भूषण जी एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा, भारत भूषण जी एक सेकंड। भारत भूषण जी सवाल ये है कि राजस्व में जो घाटा हो रहा है उस घाटे को कैसे भरेंगे आप, और इस चीज को तो स्वीकार भी किया गया कि जो पिछली बार का घाटा है 76,828 करोड़ रुपए राजस्व की आप लोग उम्मीद कर रहे थे, 61,000 करोड़ ही राजस्व आ पाया। हाँ, सके जी ये जो कुछ भी फिगर्स होती हैं बजट में आप भी मानेंगे
कि ये प्रोविजंस होते हैं और एस्टिमेट्स होते हैं, अनुमान होते हैं, टैक्स कलेक्शन का या रेवेन्यू जनरेशन का भी अनुमान ही होता है और किसी पर्टिकुलर फील्ड में एलोकेट फंड करने के बाद भी अनुमान होता है कि इस क्षेत्र में, तभी लगता है कई बार कि हमने एक पर्टिकुलर मद में इतना रुपया आवंटित किया लेकिन साल के बाद देखते हैं कि वो पूरा का पूरा बजट जो है वो एक्सपेंडिचर पे नहीं लगा, उसमें कुछ बच गया जिसको हम कह सकते हैं लैप्स ऑफ बजट। एक्चुअली वो लैप्स ऑफ बजट भी होता है, बहुत सारी परियोजनाएं वो आधार करके बजट का एलोकेशन होता है लेकिन वो परियोजना कई बार टेक्निकल रूप से सार्थक नहीं हो पा रही होती, वो योजनाएं छूटती है तो हमें लगता है बजट छूट गया। लेकिन एज फॉर एज टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू जनरेशन इज कंपैरेटिवली स्टडीड, मैं बताता हूँ 2016-17 में स्टेट एक्साइज का 5211 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया तो 17,000 में 6100 करोड़ रुपया किया, सेल टैक्स में हमने 26,400 करोड़ रुपया कलेक्ट किया 2016-17 में तो 17,18 में 30,500 करोड़ रुपया गया। इसी प्रकार से लैंड रेवेन्यू में 2400 करोड़ रुपए अगर हमने समझ समझ के भी ना समझना में तो हमने 17-18 में 39,000 करोड़ रुपए के लिए जिस प्रकार पेमेंट ऑफ सेंट्रल ठीक है वापस लौटेंगे जरा। भारत भूषण जी आप होल्ड कीजिए थोड़ा, मैं पंकज जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ठीक है जो बजट पेश किया जाता है वो अगले एक साल तक का बजट होता है लेकिन यहाँ तो 2030 तक का विजन लेकर के चल रहे हैं। केंद्र में हमने देखा कि 2024 तक का विजन लेकर के चला जा रहा था, यहाँ वित्त मंत्री 2030 का एक विजन लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर केंद्र का भी है और स्टेट का भी है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई चूंकि एक आखिरी बजट है इस कार्यकाल का, इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, या आपको लगता है कि चीज़ें हो सकती हैं अगर वक्त मिले तो? देखिए पहली बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म विजन रखना मुझे नहीं लगता कि बुरा है। मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को, हमारे यहाँ एक सोच बन गई है कि 5 साल तक की सोचो, इलेक्शन आए उस तक रखो, उसके बाद कुछ नहीं करना। तो हमें कहीं ना कहीं लंबा विजन रखना पड़ेगा और इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी को वहां पे कंसेंसस बनानी पड़ेगी। ये चाइना का मॉडल रहा है कि हमें 30 साल में ये करना है, हमें 20 साल में ये करना है और वो अचीव करते हैं। हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, 5 साल उसके बाद एक बजट आता है उसमें आप इकोनॉमी जो 100 डेज की सोचते हैं, नहीं वो अब सब काम है, पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द बोर्ड यही करती है। कोई भी आप बजट उठा के देख लीजिए, 4 साल ठीक चलता है, 5वें साल आप फिस्कल डेफिसिट उड़ा देती है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आप लॉन्ग टर्म विजन रखना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी होना भी जरूरी है। अब जैसा कि आपने कहा कि प्रैक्टिकल है कि नहीं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं वो प्रैक्टिकल हैं, वो होंगी, बट उसके साथ इशू क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बात बोल दी गई कि सब्सिडाइज करेंगे जी, आप सोलर पंप खरीदिए 75% हम सब्सिडी देंगे। अब विजन देखिए कहाँ गड़बड़ होता है। हरियाणा एक एरिड एरिया है, वाटर टेबल बहुत डिप्लीट कर रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप इस तरह का जब आप एक विजन लाते हैं तो उसके साथ जो आपका क्रियान्वयन है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिसिंग हो जाता है। अब जैसे फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ा फिगर है, आप जो 20,000 करोड़, पिछले साल अगर आपका 61,000 करोड़ है, इस पर 82,000 करोड़ आप अनुमान कर रहे हैं, अगर 25% आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि नियर पास्ट में ऐसा कभी हुआ होगा कि आपका 25% रेवेन्यू जंप कर गया हो, आप जब आपकी नया टैक्स भी नहीं लगा रहे हैं। तो लंबा रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन पे आपने अच्छा किया है, पर उसके लिए हमें अभी फाइन प्रिंट देखने होंगे कि एजुकेशन में आप क्या कर रहे हैं। हमारे देश में समस्या क्या है कि हम घोषणाएं करते हैं, हम बजट एलोकेट कर देते हैं, पर हम आउटकम बजट की बात नहीं करते कि आपने पैसा खर्च किया उसे निकला क्या। आप मुझे बताइए, हरियाणा में हर आदमी आज के दिन बीए घूम रहा है पर वो 2 शब्द नहीं बोल पाएगा, उसको नौकरी कहां मिलेगी। अब जाके देखिए गांव-गांव में बीए एमए बीएड तो ऐसे मिल रही PhD. है पीएचडी और उनसे आप उनको कहो कि आप मुझे 2 लाइन अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे दो, नहीं दे पाएंगे। अब आपको फिर कहां जॉब मिलेंगी। तो इश्यू ये है कि आप लॉन्ग टर्म विजन बनाइए और ठीक है राजनीति कीजिए, पर उसके साथ आप एक क्रियान्वयन अपना बनाइए, एक ब्लूप्रिंट बनाइए कि हमें ये अचीव करना है। और आप चाइना से सीख सकते हैं कि भैया हमें ये करना है, हमारी हेल्थ प्रायोरिटी है और हमारा आउटकम ये होगा। चाइना से क्या सीखना, कांग्रेस से सीख सकते हैं ये तो बीजेपी वालों को, तो कांग्रेस से सीख ले तो भी चल देना काम। वो एक समस्या यही है कि आपको कहीं ना कहीं देखिए जैसे अभी बात बोली गई, बहुत इस प्रदेश को आगे ले जाके एक बात अगर आप टाइम दे तो मैं और बात कहना चाहूंगा।
हमारे देश में समस्या क्या हो रखी है कि हम ना लोबी में बात करते हैं, फार्मर एक लोबी हो गया, सरकारी मुलाजिम एक नौकरी लोबी हो गया। हमें समस्या ये है कि आप सरकारी उसकी बात कीजिए, बट पब्लिक जो सोशल पब्लिक डिलीवरी जो है, सर्विस डिलीवरी जो है, उस पर काम कीजिए। आपने सरकारी तंत्र बना दिया, स्कूल बना दिए, आप जाके देखिए क्या हाल है, बच्चों को एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती है, सब प्राइवेट में जाते हैं। कोई भी अपना बच्चा जो अफोर्ड कर सकता है, 200 रुपए दे सकता है, वो आज के दिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता। और विडंबना देखिए, एक सरकारी स्कूल का अध्यापक 70,000 रुपए तनख्वाह लेता है और वहां से बच्चे कुछ नहीं पढ़ के निकलते। एक प्राइवेट स्कूल में 15,000 रुपए लेता है और वहां से बच्चे अच्छे निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस सिस्टम को हिलाने की जरूरत है, कुछ अकाउंटेबिलिटी। आपने कर दिया बायोमेट्रिक्स कर दिया, एक चीज और ये कर्मचारी बीमा के लिए 172 करोड़ अलॉट किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी जो एक वोट बैंक है सर, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इसके लिए अगर आप कुछ भी करते हैं, जैसे केंद्रीय बजट में हमने देखा कि आपने टैक्स में जिस तरीके से एक छूट उधर भी मिली, वो एक मार्जिन उधर भी बढ़ गया। अब ये कर्मचारी, ये भी बातें चल रही है कि कर्मचारियों का जो पेंशन शुरुआती दौर में मिला करता था, वो जो बंद हो गया था, उसको भी शुरू किया जा सकता है। अगर इस तरह की चीज़ों में सरकार आगे बढ़ेगी तो ये जो एक संख्या है, ये बहुत बड़ा है। देखिए साकेत जी, समस्या यही है, संख्या है। देखिए फार्मर एक संख्या है, उसकी तरफ किया गया है, ठीक है। सरकारी कर्मचारी एक संख्या है, बट उससे बड़ी संख्या इस देश में उन लोगों की है जो ना सरकारी तंत्र में है, ठीक है, ना अनऑर्गेनाइज्ड जो है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके लिए क्या है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, जब तक आप वहां पे फोकस नहीं करेंगे। और उसका भला तभी हो सकता है जब आपकी जो सर्विस की क्वालिटी है जो सरकार प्रोवाइड कर रही है वो अच्छी हो। अगर वो नहीं होगी तो आई एम सॉरी, कुछ नहीं होगा। आप ठीक है, आप जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, एक सरकारी कर्मचारी 70,000 रुपए ले रहा है, आप उसकी जेब में 20,000 और डाल दीजिए, वो खुश हो जाएगा, पर इससे प्रदेश का, देश का कोई भला नहीं होगा। ठीक है तवर साहब, देखिए अभी बात कर रहे थे, मैं डॉक्टर पंकज की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जो पानी और दूसरी चीज़ों के बारे में जो बात करी, सोलर एनर्जी और सारी बातें, मैं अगर हरियाणा की बात करूँ, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा की बात करूँ, जब पानी है ही नहीं, अंडरग्राउंड वाटर की जो स्थिति है, और मैं बात करूँ अगर गुड़गांव की, डायरेक्ट जोन घोषित है, ट्यूबवेल आप कर नहीं सकते, बिजली का कनेक्शन किसान को मिल नहीं सकता। दूसरी बात, जो सिंचित क्षेत्र को या जो पानी देने की बात है, वो तो चलो मान लिया आपके, आप देना चाहिए अपने किसानों को। क्या आप हमारे हरियाणा प्रदेश में आज के दिन हर एक आदमी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी वो नोट कर लें, जवाब दें बाद में। और दूसरी बात, जिस प्रकार से शिक्षा की वो बात है जो अभी बात बताई डॉक्टर पंकज ने, कि भाई जो हमारे यहाँ शिक्षा जो बीए और एमए करके जो लोग घूम रहे हैं, उसका एक और उदाहरण अभी पिछले दिनों उसमें सामने आया कि जिस प्रकार से एक एमएससी मैथमेटिक्स, उसको एक माली की नौकरी करनी पड़ी है, माली की नौकरी मिली है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के युवाओं की स्थिति क्या है, उसको कहीं ना कहीं एक उसका सिनेरियो है वो देखा जा सकता है। दूसरी बात, मैं इसी आपकी बातचीत से नोटिस में आई, जो आज पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल, उनको ना तो पेंशन है, और किसी भी एक्शन में, किसी भी ऑपरेशन में अगर वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं है। ये क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकिन अभी बात में बात है, इसलिए मैंने कही वो, मतलब हम जिस प्रकार से आज भी एक प्रदेश में एक भाई अर्धसैनिक बल का जवान आपके, शहीद हुआ है, आपके, तो भी, आपके, भी आपके, आपके चैनल के माध्यम से मेरा कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, इस ये पॉइंट होनी चाहिए। ये पॉइंट आपके जहन में आया, लेकिन आपके भी सांसद रहे हैं, कभी उन्होंने संसद में इस बात को नहीं उठाया। बालमुकुंद शर्मा जी, आपने अभी कर्मचारियों की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा, अतिथि अध्यापक सड़क पे, एनआरएचएम कर्मचारी सड़क पे, कंप्यूटर टीचर सड़क पे, रोडवेज की सबसे हरियाणा में लंबी हड़ताल चली वो टीचर, उस पर पीएन से लेकर जज तक हड़ताल पे, और ये हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार होगा, आईएसए एसोसिएशन ने काले बिल्ले लगा करके काम करा, खुद मुख्य सचिव भी काले बिल्ले लगा करके आए। इस सरकार के टाइम में हमारे ना गाँव में, देहात में, साकेत जी, एक बड़ी, जो आदमी की जुबान ठीक नहीं हो, जो बात नहीं करता हो ना, जुबान की धनी नहीं हो, उसको देसी भाषा में कहते हैं नकली है। तो अब हरियाणा में ये बात चल रही है, ये जो बीजेपी की सरकार नकली सरकार है, ये जो चीज़ें आंकड़े वैसे ना तरोड़ मरोड़ करके पेश करते रहते हैं,
जमीन पर धरातल पर मैं हमारे जो विश्लेषक है उनकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। शिक्षा में पिछले 4.5 साल में इन्होंने क्या किया, अरविंद केजरीवाल ने सीधा चैलेंज किया यहाँ हमारे मुख्यमंत्री को, क्या ये देखिए हमारे दिल्ली में, तो उनका चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाए वो हमारे मुख्यमंत्री। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि मैं अपनी टीम लेकर के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आऊँगा, आप मुझे दिखाना चाहो क्या दिखाओ, उन पर दिखाने नहीं, इन पर भी कुछ नहीं था, लेकिन वो चैलेंज प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार कर सके। जो चैलेंज फिर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आप अपने बता दीजिए कौन से स्कूल है और कौन से अपने हॉस्पिटल है, हम आएंगे हम देखेंगे। मुख्यमंत्री जी तो वो भी अपना और ना उनको हरियाणा की दिखाने दी, हरियाणा का भी नहीं दिखाने दिया उनको। जेजेपी का रुख कर लेते, दिलबाग नैन साहब बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी मैं बजट के पे इनसे पूछना चाहूंगा कि जो बात करते हैं ये बार बार ना, अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई टैक्स नहीं लगाया, मैं ये पूछना चाहूंगा कि भी आप अभी कोई उम्मीद कर रहे थे कोई टैक्स लगाने की, जीएसटी जो है इन्होंने 5% जीएसटी लेके उसके बाद कम करने पर बात आती है, कहते हैं जी हमने कम कर दिया, लगाने वाले कोई और विदेशी कंपनियां थी या किसी विदेशों ने लगाया था टैक्स जो 28% आप ले रहे थे, जो ये गैप रहा 28% आपने व्यापारी वर्ग से लूटा है, किसान से लूटा है, चाहे वो किसान ट्रैक्टर में टैक्स देता है जीएसटी का, चाहे वो ट्रैक्टर पार्ट में देता है, कृषि पार्ट में देता है, वो पैसा जो इन्होंने लूटा है 4 साल में जब से जीएसटी शुरू हुआ 2 साल में, तो क्या वो पैसे वापस करेंगे किसी का? बजट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 65,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कोई एजुकेशन स्कूल के अंदर कोई कितने स्कूल बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है तीन साल के बाद सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि अब हम समझे कि काम कैसे करना है, और यानी कि ये मान के चलिए कि 1.5 साल सरकार को मिला है, मुख्यमंत्री को मिला है काम करने के लिए। ठीक है एक बार रुक कर लेते हैं जरा विमल किशोर जी का। ठीक है नैन साहब ठीक है। आज मैं एक वित्त मंत्री की स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमने हरियाणा में 36 महाविद्यालय बना दिए, एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई पुराने सरकारी स्कूलों में, जो पूरे हरियाणा में 700 स्कूल बंद कर देंगे आपको मैं बताऊं, सरकारी स्कूलों में तो ये महाविद्यालय बनाए गए हैं और उसमें मात्र 590 प्रोफेसर भर्ती हुए हैं जबकि 4,000 प्रोफेसरों की जरूरत है। और दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, NHM कर्मचारियों की 8 महीने से सैलरी तो दे नहीं पा रहे आप, बात कर रहे हैं करोड़ों की, शिक्षा में आपने सिर्फ 11.61% रखा है इसमें, तो शिक्षा के अंदर तो हरियाणा के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। सरकारी आप स्वास्थ्य के ऊपर 3.80% सिर्फ आप खर्च कर रहे हो, सरकारी अस्पताल इतने जर्जर हैं, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा अग्रणी हो गया है या सब? जितनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से कोई अग्रणी हुआ जी, जो बात बता रहा हूं मैं सरकारी अस्पताल की जितनी जर्जर हाल है, क्या ये सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए में सरकारी हॉस्पिटल ठीक कर देंगे? ये मैं हैरान हूं, ऐसे ही सरकार घाटे में, आप कह रही और पैसा खर्च करो, वो कैसे करेगी सरकार पहले कंगाल है, कर्मचारी वो सैलरी नहीं दे पा रही, उसके बाद इतनी बड़ी घोषणा है सिर्फ चुनावी। पंकज जी एक बात रहेगी जी बीच में, ये जो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, हमारे को वोट दो, हम 2030 तक दूसरे नंबर पे ले आएंगे अर्थव्यवस्था। मुझे ये नहीं समझ आता कि जनता को इतना बेवकूफ कैसे समझते हैं आप लोग, कोई भी बरगला लेगा, सबको मकान दे देंगे, कोई भी बरगला दे रहे हैं ना, ये समझ में, समझ से परे। पंकज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद एक आखिरी रिएक्शन भारत भूषण निकालूंगा। थोड़ा सा एक करेक्ट करना चाहूंगा, जैसा कि मेरे साथियों ने बोला, यहाँ पे जब हम कर रहे हैं ना, वो फिर वही राजनीति शुरू हो गई कि शिक्षा ऐसा नहीं है कि 3 साल में बीजेपी आई और सब बर्बाद हो गया, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। पिछले 20 साल से हमने एजुकेशन में क्या किया है, जिस तरह के टीचर रिक्रूट किए, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं नहीं मानता कि हरियाणा में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे स्टेट से बुरा है, मैं नहीं मानता, जितना मैंने देखा है घूमा है देश में। समस्या क्या है कि आपने टीचर लगा दिए, आपने वहां पे बिल्डिंग बना दी, पर उसके बाद कोई पढ़ाता नहीं है, और इस बात की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, हम यहाँ राजनीति कर लेंगे, खेल लेंगे, अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसको ठीक कौन करेगा? टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो ठीक कौन करेगा? सरकार करेगी। एक आखिरी मैं वही बोल रहा हूँ कि भारत भूषण जी पॉलिटिकल कंसेंसस बना के करना पड़ेगा। भारत भूषण जी बनाइए, एक सेकंड विमल किशोर जी, एक साकेत जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा, एक सेकंड भारत भूषण जी, मैं एक चीज कंक्लूड कर रहा हूँ, आपसे एक रिएक्शन लूंगा, चूंकि मैं स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, मैं देखता भी हूँ स्पोर्ट्स को। आप लोगों ने 401 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं साहब, जो खिलाड़ी हैं वो परेशान, उनकी जब उनको पैसे देने की बात आती है पुरस्कार राशि, आप कहते हैं अगर आप रेलवे से खेल रहे हो
तो वो जितना देंगे उतना काट लेंगे, वो बायकॉट कर देते हैं, आप फिर वापस यूटर्न ले लेते हो, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको आप सही तरीके से ट्रेनिंग की सुविधा नहीं दे पा रहे हो, आप उसमें भी भेदभाव करने लग जा रहे हैं, कैसे होगा सर? भारत भूषण जी, आपका समय जा चुका है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, मेरी जो चार मित्र हमारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे हैं, एक भी व्यक्ति कहीं पर भी बजट के लिहाज से उसमें अर्थशास्त्र के हिसाब से बात नहीं कर रहा है, दोषारोपण के हिसाब से बात कर रहा है। मैं पहले तो बात करूंगा बाल मुकुंद जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, आपने आपने जो आंकड़ों की बात करी है उससे तमर साहब आप दूसरे को सुनेंगे क्या? तमर साहब आप दूसरे को सुनेंगे क्या? तमर साहब आप दूसरे को सुनेंगे क्या? बहुत ज्यादा बात, ये कोई तरीका नहीं है, जरा सुन लेते सुन लेते, वाइंड अप का टाइम हो गया, मेरा समय दीजिए, इनको चुप कराइए। भारत भूषण जल्दी बोलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में इनका माइक बंद करवाइए ना साकेत जी, बोलो भारत भूषण जी, बोलो भारत भूषण जी जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रदेश में या देश में शिक्षा का स्तर गिरा है तो इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, जिन कपिल सिब्बल साहब ने अपने 2008 से 2014 तक ये पॉलिसी बनाई कि स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी रहनी चाहिए, किसी भी बच्चे को एग्जाम के आधार पर कम अंक लेने के आधार पर फेल नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ा दुख। भारत भूषण जी, आपकी आपकी शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, नकली डिग्री ले रही है, आप शिक्षा की बात कर रहे हो, बीच में नहीं बोल रहा, समर्थ ईरानी जी की डिग्री निकली है। चलिए चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। अब अहम सवाल ये है कि बजट पेश कर दिया गया है, अब आगे आने वाले दिनों में इसका इंप्लीमेंट इसको किस तरीके से करते हैं ये देखने वाली बात होगी। पेशकश में बस इतना, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।